दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम आ चुके हैं एक नए वीडियो में। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छा ब्रांड जो कि है ब्रांडी नाम से जाना जाता है, मॉर्फियस ब्रांडी, जो कि बहुत ही अच्छा ब्रांडी माना जाता है, इंडिया का टॉप सेलिंग है। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इसके बारीकी से डिटेल टेस्ट और ये इस कैसे प्रोड्यूस होता है, ब्रांडी का मतलब क्या होता है, ये सब बारीकी से डिटेल को देखेंगे। तो हमारे चैनल में बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अगर मॉर्फियस की पैकिंग की बात करें तो बहुत ही अच्छी और बहुत ही अच्छे ढंग से की गई है इसकी डिज़ाइन और पैकेजिंग। बॉटल भी बहुत ही अच्छा खूबसूरत आप देख सकते हैं कैसा बनाया गया है। आप इसके टॉप पे देख सकते हैं मॉर्फियस लिखा हुआ है बोल्ड अक्षर में, उसके नीचे देख सकते हैं 100 लिखा हुआ है। 100 का मतलब होता है एक्स्ट्रा ओल्ड, जो कि बताता है कि ये बहुत ही दिनों तक स्टोर करके रखा जाता है, जिसके वजह से इसका फ्लेवर जो है इन्हेंस होता है। नेक्स्ट अगर इसकी इनर पैकिंग की बात करें, जो बॉटल है वो आप देख सकते हैं किस डिज़ाइन का है, बहुत ही खूबसूरत देखने में है। नेक्स्ट अगर इसके पैकिंग के बैक साइड में देखेंगे तो इसके पूरे डिटेल दिए रहते हैं, जो कि कहाँ पे पैकेजिंग है, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स इसमें यूज हुए हैं और कैसे ये पैकिंग की जाती है, बॉटलिंग की जाती है। इसके वेबसाइट पे भी जा सकते हैं आप पूरी जानकारी के लिए। और इसके पीछे आप देख सकते हैं कि इसका प्राइसिंग और लेबल लिखा हुआ है। तो अगर कंपनी की बात करें तो कंपनी कब लॉन्च हुई थी, तो मॉर्फियस जो लॉन्च हुआ था 2009 में हुआ था। और तो कंपनी का जो नाम पड़ा वो ग्रीक वर्ड से है, जो कि मॉर्फियस का मतलब होता है ग्रीक गॉड ऑफ ड्रीम, माने सपनों का देवता, जिनका मतलब होता है कि वो सेंस पैदा करे यूरोपियन के टच में रहने के लिए, मतलब एकदम सॉफ्टनेस पैदा करे विथ यूरोपियन टच। नेक्स्ट अगर इसकी बात करें तो मार्केट साइज़ की, तो इसकी मार्केट साइज़ बहुत ही तगड़ी है, जो कि आप देख सकते हैं कि मॉर्फियस का जो लार्जेस्ट मार्केट है वो साउथ साइड ज़्यादा है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला और कर्नाटका में। और ये जो है मॉर्फियस इंडिया का सबसे ज़्यादा बेचे जाने वाला ब्रांडी माना जाता है। आप इसके अलावा भी सुने होंगे कि जो है मेंशन हाउस ब्रांडी नाम सुने होंगे, उससे भी ज़्यादा ये सेलिंग होने वाला है। इसको बहुत दिन तक स्टोर करके रखा जाता है। इसके नाम पे बहुत सारे गोल्ड मेडल और बहुत सी प्रीस्टीशियस मेडल मिला है इसको, बहुत ही अच्छा, जिसके वजह से ये टॉप लेवल पे आता है। ब्रांडी जो वर्ड है वो रिफर किया जाता है डिस्टिल स्प्रिट, मतलब इस डिस्टिल किया जाता है जो है वाटर को इथाइल अल्कोहल अलग अलग करने के लिए। उसी तरह इसमें जो ब्रांडी बनाने का प्रोसेस है उसमें जो है फ्रूट जो स्प्रिट रहता है उसको डिस्टिल किया जाता है, उससे बनाया जाता है। और जो ब्रांडी वर्ड है वो ओरिजिनेट हुआ ब्रांड विंच, विच इज अ डच वर्ड है ये एक्चुअल में। और ये जो ब्रांडी बनता है, तीन प्रोसेस में हम लोग देख सकते हैं कि ब्रांडी कैसे बनता है। तो पहला प्रोसेस है फर्मेंटेशन, इस बहुत सारे जो फ्रूट्स यूज किए जाते हैं इसमें, जैसे कि एप्पल, चेरी, इसमें ग्रेप्स यूज नहीं किया जाता है। टेस्ट के लिए हो सकता है कि उसमें यूज किया जाए उसको ऑर्डर में लाने के लिए, लेकिन उसको बनाने के लिए, ब्रांडी को बनाने के लिए ग्रेप्स का यूज नहीं किया जाता है। इसमें आप फर्क जान लें। नेक्स्ट इसकी बात करें तो पहला नंबर फर्मेंटेशन होता है, फिर उसको आगे प्रोसेस में भेजा जाता है डिस्टिलरी के लिए। तो डिस्टिल जब किया जाता है ये फ्रूट स्प्रिट को, तो वो इथाइल अल्कोहल रिलीज करता है। अब यहाँ पे ब्रांडी और वाइन में आपको डिफरेंस समझना है। जब अगर इसमें इसको स्टोर करके अगर नहीं रखेंगे तो ये बन जाएगा वाइन, और अगर जब इसको स्टोर करके रखेंगे तो ये बन जाएगा ब्रांडी। तो अगर नेक्स्ट इसको क्या करते हैं कि डिस्टिल करने के बाद इसको स्टोर करने के लिए भेज दिया जाता है। जब स्टोर किया जाता है तो उसका जो कलर है थोड़ा चेंज हो जाता है, जिसके वजह से वो ब्रांडी नाम उसका पड़ा और वो हम लोग ब्रांडी के जैसे वजह से जानते हैं। अगर मॉर्फियस की बात करें तो ये जो कंपनी इसको ऑपरेट करती है, तो इसका नेट इनकम जो है आप देख सकते हैं ये 603
36.6 मिलियन है, ये 2012 का रिपोर्ट है, और 2011 में 728 मिलियन था। नेक्स्ट अगर इसकी रिवेन्यू की बात करें तो 19.8 मिलियन है 2012, ये हम लोग 2012-11 के रिपोर्ट देख रहे हैं। अगर टोटल एसेट्स की बात करें तो इसके पास है 16.6, ये 2012 की बात है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं वीडियो में। तो कोई भी सर आपको हम लोग टेस्ट करते हैं तो उसी से टेस्ट और क्वालिटी का पता चलता है। तो टेस्टिंग की अगर बात करें तो जो मॉर्फियस ब्रांडी है उसमें आपको इंटेंस फ्रूटी स्मेल मिलेगा, टॉप नॉट कॉम्प्लीमेंटेड विथ ड्राई फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स का फ्लेवर मिलेगा आप लोग को लाइक रेजिन और किशमिश की तरह, किशमिश तरह का फ्लेवर आएगा आपको, और भी बहुत सारे फ्लेवर आएंगे, वुडन स्मोकी फ्लेवर आएगा क्योंकि बहुत दिनों तक इसको स्टोर किया जाता है तभी ब्रांडी तैयार होता है। अगर प्राइसिंग की बात करें मॉर्फियस तो इसका जो 750 ml का प्राइस है वो कम मतलब 1400 में आपको मिल जाएगा, आसानी से 1400 के अंदर मिल जाएगा। और हमारा वीडियो कैसा लगा हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि हमारा चैनल ग्रो हो सके, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। Thank you.